तो चैनल के एक नए एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप इस चैनल के ऊपर पहली बार आ रहे हो तो चैनल के नेम के पास जो सब्सक्राइब का बटन है लाल वाला, उसको प्रेस कर देना। उसके बाद एक बेल आइकन आएगा उसके बाजू में, ठीक, तो उसको ही प्रेस कर देना। अगर कोई ऑप्शन दिखाता है तो उसको ज़रूर ऑल पे सेट कर देना, फ्री फायर से रिलेटेड हर एक अपडेट, हर एक जानकारी पाने के लिए। और गाइस, इस वीडियो के अंदर हम लोग दो चीज़ के ऊपर बात करेंगे, जो कि मैंने दो चीज़ को अलग अलग डिवाइड किया है। एक तो है यहाँ पे एंटी मटेरियल गन और दूसरा है हुक गन। दोनों के ऊपर हम लोग अलग अलग से बात करेंगे और दोनों अलग अलग मोड पे आपको मिलेगा। मतलब एक मोड के अंदर नहीं मिलेगा कि क्लासिक मोड पे आपको सब कुछ मिल जाएगा या फिर रैंक मोड पे मिल जाएगा। इसके लिए अलग से एक मोड आपको खेलना पड़ेगा, तभी आपको ये चीज़ें मिलेगा। तो काफ़ी सारे प्लेयर्स ये सोच के परेशान हो रहे हैं कि भाई यहाँ पे एंटी मटेरियल गन आ गया, यहाँ पे हुक गन आ गया, तो हम लोग खेलेंगे कैसे, बंदे मारेंगे कैसे। ऐसा नहीं है गाइस, आप लोग इससे पहले भी बहुत सारे स्पेशल मोड खेल चुके हो, जैसे कि रैम्पेज मोड, जैसे कि यहाँ पे हम लोगों का जो उससे पहले जो मोड आया था यहाँ पे एक्सक्लूसिव जंप, तो ये यहाँ पे कुछ मिला जुला का यहाँ पे एक अलग सा मोड है। तो यहाँ पे हम लोगों को मिलेगा एंटी मटेरियल गन, तो उसके लिए हम लोग चलेंगे और उसको ढूंढने के गेम पे जाके। तो चलो गए सीधा सीधा गेम के अंदर जंप करते हैं और गेम के अंदर जाके हम लोग सीधे सीधे एंटी मटेरियल गन ढूंढते हैं, और जैसे मिल जाता है मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। और गाइस, यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि जो एंटी मटेरियल गन है ये आपको हर एक मोड पे नहीं मिलेगा, ये सिर्फ और सिर्फ आपको जो है ब्रिक स्विंगर्स मोड पे मिलेगा और कोई भी मोड पे नहीं मिलेगा। और ये जो मोड है ये फन के लिए है, जैसे कि हर एक जो स्पेशल मोड आता है वो हर एक स्पेशल मोड फन के लिए आता है। अलग कुछ यहाँ पे गरीना देना चाहते हैं इसलिए मोड लाते हैं। और ये आप देख सकते हो गाइस, हमारे हाथ पे गन आ चुका है और ये गन कैसा दिख रहा है आप देख सकते हो। और गाइस, इस गन के बारे में बात की जाए तो ये जो गन है इसके अंदर आप एक साथ तीन गोली ले सकते हो, ठीक है ना। मतलब इसका जो यहाँ पे मैगजीन है ये तीन गोली ले सकता है और आप इसको जो है बैग पे बहुत सारे गोली रख सकते हो। और ये बेसिकली एक लॉन्चर है, ग्रेनेड लॉन्चर टाइप का है, लेकिन ग्रेनेड लॉन्चर नहीं है, क्योंकि ग्रेनेड लॉन्चर पे होता क्या और इस पे होता क्या है वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ धीरे धीरे, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको मैंने समझा दिया गाइस कि यहाँ पे तीन एमओ ले सकते हो, मतलब तीन ग्रेनेड लॉन्चर एक साथ यूज़ कर सकते हो बैक टू बैक, उसके बाद आपका जो रीलोड आ जाएगा, ठीक है ना। और इसका रेंज बहुत दूर है, बहुत दूर तक आप इससे किसी को टारगेट कर सकते हो। जितना दूर तक कोई आपका नॉर्मल सा गन लेता है, एयर एमओ का गन लेता है, वो उतना दूर तक ये गन भी रेंज लेता है, ठीक है ना। और इसका डैमेज मतलब इतना है कि इसका डैमेज से कोई बंदा एक शॉट में नहीं मर जाएगा। इसके लिए आपको दो से तीन शॉट लगाना पड़ेगा, मतलब पूरा का पूरा मैगजीन ख़त्म करना पड़ेगा तभी कोई मरेगा। तो ये जो है M79 जैसा है, ये बोलना शायद ही कुछ गलत है, तो M79 जैसा ये नहीं है, ठीक है ना। और गाइस, यहाँ पे मैं आपको समझा देता हूँ कि इस M79 से और इसका पंग मतलब यहाँ पे जो है M79 से और अलग कौन सी चीज़ पे है ये। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे इसका जो गोली है वो डायरेक्ट सीधा जाता है, इसका जो गोली है वो यहाँ पे डायरेक्शन आप चेंज नहीं कर सकते। और एक चीज़ है यहाँ पे जो मैं आपको आगे एक्सप्लेन कर देता हूँ। और गाइस, यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि इसका जो गोली होता है ये एकदम सीधा जाता है, मतलब एकदम स्ट्रेट डायरेक्शन पे, किसी भी ओर ये मुड़ता नहीं है। लेकिन आप सभी जानते हो M79 के साथ हम लोग जो है एम कर सकते हैं, M79 को ऊपर उठा के हम लोग को एक रेड कलर का यहाँ पे लाइन मिलता है जिसको हम एम बोलते हैं M79 का, जिससे होता क्या है कि हमको पता चल जाता है कि M79 कहाँ पे गिरने वाला है। लेकिन इसके साथ ऐसा नहीं है, यहाँ पर आपको कोई भी एम नहीं मिलता है, कोई भी रेड कलर का यहाँ पर लाइन नहीं मिलता है जो M79 पर मिलता है। तो इससे आपको पता नहीं चलेगा ये कहाँ पे गिरेगा ऊपर अगर आपको इसको उछाल देते हो तो ये दिक्कत वाली बात है। तो ये M79 जैसा नहीं है बिल्कुल भी, ये बेसिकली एक फन टाइप का गन है जो कि गरीना ने खुद यहाँ पे बना के दिया हम लोगों को इस मोड के लिए स्पेशली। और इसका डैमेज आप देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर, काफ़ी अच्छा डैमेज है। और कोई बंदा का लेवल 4 का भेस्ट पहन के आता है तो वो लेवल 4 की छोड़ो लेवल 2 का भी भेस्ट हो तो भी ये बंदा एक शॉट पे तो नहीं मरने वाला इससे। हो सकता है अगर आपके पास लेवल 1 का भेस्ट हो तो ही आप इससे एक शॉट पे मर जाओ। यहाँ पे दो शॉट तो मिनिमम लगेंगे किसी को किल करने के लिए, अगर उसका भेस्ट डैमेज भी है तो। और यहाँ पे गाइस आप देख सकते हो, और इससे यहाँ पे मैंने आपको ये भी बता दिया कि यहाँ पे आपको जो है इस गन से आप सीधा सीधा किसी को मार सकते हो। आप इसको अगर ऊपर उछल दोगे तो इससे आपका जो गोली है वो जाएगा नहीं, आप देख सकते हो, अभी भी देख सकते हो आप यहाँ पे सीधा सीधा कोकोनट को जाके लग रहा है। और अगर गाइस यहाँ पे आप किसी को टारगेट कर रहे हो तो आपको उसको बॉडी पे टारगेट नहीं करना है, ध्यान से सुनना। आप देख सकते हो गाइस ऊपर जो है कोई भी लाइन ले ही आ रहा है, इसका मतलब ये आप ऊपर कोई भी डायरेक्शन आपको नहीं मिलेगा, मतलब कौन से डायरेक्शन पे इसका गोली जाएगा ऊपर आप उछल दोगे तो वो आपको पता नहीं चलेगा।
तो M79 का भाई है लेकिन M79 नहीं है। और मैंने आपको ये भी बता दिया कि इस गन के साथ यहाँ पे जो है आप जो स्कोप वगैरह यहाँ पे कुछ भी यूज़ नहीं कर सकते हो। ये एक अलग टाइप का गन है और इसी मोड के लिए स्पेशली बनाया गया, एक अलग डिज़ाइन कर किया गया गन है। और इसका रेंज काफ़ी दूर तक है और डैमेज भी अच्छा खासा है। और 3 मैगजीन है तो 3 मैगजीन काफ़ी होती है और किसी सामने वाले बंदे को मारने के लिए बहुत ही इनफ है 3 मैगजीन। और आप इस गेम के मोड पे जाके इसको अच्छे से एंजॉय कर सकते हो। तो ये था एंटी मटेरियल गन, जिसके बारे में सब कुछ मैंने आपको बता दिया क्या कुछ है इसके अंदर। अगर कुछ भी आपको समझने में अभी भी दिक्कत आ रहा है तो वीडियो को एक बार फिर से सुन लेना, आपको सारी के सारी चीज़ें समझ में आ जाएगा। और इसमें इतना ज़्यादा कुछ सोचने वाली बात नहीं है, सिंपल सा एक चीज़ है जो समझना था आपको, मैंने समझाने की कोशिश किया है। और गाइस इसके बाद चलेंगे हम लोग हुक गन ढूंढने, और हुक गन ढूंढ के हम लोग हुक गन के ऊपर भी बात करेंगे। और गाइस ये जो मोड है ब्रिक स्विंगर्स, इस मोड पे आपको जो है एक और ग्रेनेड लॉन्चर मिल जाएगा जो कि है MGL-140, जो कि यहाँ पे एक्सप्लोसिव जान पे आपको मिलता था जिसपे 10 MO आता था और इसको आप मैगजीन लगा के इसको इंक्रीज कर सकते थे 8 तक। तो ये वाला गन भी आपको देखने को मिल जाएगा और ये वाला गन भी आपको इसी मोड के अंदर देखने को मिल जाएगा। तो मिला जुला के हर एक मोड का यहाँ पे कॉम्बिनेशन है ये ब्रिक स्विंगर्स मोड। और आप देख सकते हो हमारे पास में हुक गन्स आ चुका है। और हुक गन को कैसे यूज़ करना है, हुक गन का काफ़ी सारा यूज़ है और इसका रेंज ज़्यादा दूर तक नहीं है। ये एक ध्यान रखने वाली बात है कि इसका जो रेंज है हुक गन का ये ज़्यादा दूर तक नहीं है। और इसके साथ क्या पंगा है मैं आपको समझा देता हूँ। इसको यूज़ करने से पहले आपको दो चीज़ देखना पड़ेगा, ये रेड वाला क्रॉस आ रहा है या सर्किल आ रहा है। अगर यहाँ पे रेड वाला सर्किल या फिर वाइट वाला सर्किल भी आ रहा है तो आप इसको यूज़ कर सकते हो उस जगह पे। आप इसको जो है जो फ्लोर होता है उस पर भी यूज़ कर सकते हो, मतलब भागने के लिए भी आप इसको यूज़ कर सकते हो किसी जगह से किसी जगह पे। और इसकी मदद से आप यहाँ पे जो है बिल्डिंग के ऊपर भी जा सकते हो। ये बेसिकली बनाया गया है कि इस वजह से मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे जो ब्रिक ग्रेनेड्स आपको मिल रहा है, जैसे कि मैंने आपको वीडियो पे एक्सप्लेन किया था ब्रिक ग्रेनेड्स, और उसके ऊपर जाने के लिए इसको यूज़ किया जा रहा है। और ये जो है यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे तो हुक गन का एमओ भी आपको उसके साथ मिल जाएगा और 5 का मैगजीन है, मतलब 5 MO आप एक साथ इस गन के अंदर रख सकते हो और इसको बढ़ा भी नहीं सकते मैगजीन से। तो आप देख सकते हो यहाँ पे हम लोग ऊपर आ गए। अभी आप देख सकते हो रेंज नहीं ले रहा है तो क्रॉस दिखा रहा है, मतलब मैं उस पर नहीं जा सकता हूँ। मैं आपको रेंज छोटा करके दिखा देता हूँ कितने रेंज पे लेता है, कितने रेंज पे जाने पे ये नहीं लेता है। तो हुक गन के ऊपर भी वीडियो मैंने आपको दे दिया पूरा का पूरा डिटेल्स में। पसंद आया होगा वीडियो, अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को प्लीज़ एक लाइक दे देना, और आपका एक लाइक या नेक्स्ट वीडियो के लिए मोटिवेशन का काम करता है। और थोड़ा बिजी चल रहा हूँ गाइस, क्योंकि घर मेरे को थोड़ा काम है अभी फ़िलहाल, बहुत काम चल रहा है, इसीलिए गाइस मैं आपके लिए फ़नी वीडियोस ऐड नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन उस पर रिकॉर्ड करने के लिए और एडिट करने के लिए बहुत टाइम जाता है, इसलिए मैं ऐड नहीं कर पा रहा, मेरे को टाइम बहुत कम ले रहा है। और आप देख सकते हो गाइस रेंज क्रॉस आ रहा है, थोड़ा सा सामने जाने पे यहाँ पे जो है सर्किल बन के आ गया। तो आप देख सकते हो रेंज, आप वीडियो से अंदाज़ा लगा सकते हो कितने रेंज तक इसका जो आप इसको यूज़ कर सकते हो। और इसका मतलब ये नहीं कि आप इसको यूज़ करके नीचे नहीं जा सकते हो, इसकी मदद से आप ऊपर भी आ सकते हो, इसके मदद से आप नीचे भी जा सकते हो। आप देख सकते हो गाइस मैं आपको दिखा दिया, और रेंज का अंदाज़ा वीडियो से अच्छे से ले लो कितना रेंज तक ये काम कर रहा है। मैंने आपको दूर जाके भी दिखा दिया, पास आके भी दिखा दिया कितने रेंज पे ये ले रहा है। और इसका जो है यूज़ आप इस मोड के अंदर कर सकते हो, ब्रिक स्विंगर्स मोड के अंदर कर सकते हो। ये मोड काफ़ी अच्छा मोड होने वाला है, मैं आपको समझा देता हूँ। और गाइस आप यहाँ पे देख सकते हो थोड़ा बहुत गेम के अंदर आपको लैग देखने को मिल जाएगा, मतलब गेम प्ले के अंदर, अभी जो गेम प्ले आप देख रहे हो इसके अंदर थोड़ा बहुत लैग देखने को मिल जाएगा, क्योंकि आप ऊपर पिंग देख सकते हो कितना हाई जा रहा है। इसका रीज़न भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था कि ये मोड टेस्टिंग के लिए था, टेस्टिंग सर्वर के लिए था ये, लेकिन इस बार क्या हुआ है कि बहुत सारे प्लेयर्स को पता नहीं कहाँ से लिंक मिल रहा है और ये जो अंदर जाके घुस के खेल रहे हैं गेम को, इसकी वजह से ज़्यादा प्लेयर हो गए और इसीलिए आपको लैग देखने को मिल रहा है गेम प्ले के अंदर। लेकिन अभी आने के बाद अपडेट कुछ भी आपको लैग देखने के लिए नहीं मिलेगा, पहले थोड़ा दिखेगा लेकिन उसके बाद फिक्स हो जाएगा। और आप अभी यहाँ पे हुक गन के ऊपर पूरा का पूरा डिटेल्स मैंने आपको दे दिया, फिर भी मैं आपको थोड़ा बहुत और एक्स्ट्रा चीज़ें समझा देता हूँ। अब मान लो आपके नज़दीक में कोई एनिमी है और उसके बाजू में कोई पत्थर है, तो आप पत्थर के पीछे जाना चाहते हो तो बड़े आराम से आप इसको यूज़ करके जा सकते हो। मैं जैसे जा रहा हूँ यहाँ पे उछल उछल के स्पाइडरमैन जैसा, आप भी जा सकते हो यहाँ पे बड़े आराम से। काफ़ी इंटरेस्टिंग सा एक मोड होने वाला है यहाँ पे। एक्सप्लोसिव जंप वाला जो जूता आता था ना, जो एक्सप्लोसिव जंप वाला जूता आता था, वो जंप वाला जूता भी आपको देखने को मिल जाएगा। एक्सप्लोसिव जंप वाला जो MGL-140 गन था, मतलब लॉन्चर था, वो भी देखने को मिल जाएगा। एंटी मटेरियल लॉन्चर भी अपनों देखने को मिल जाएगा आप लोगों को। तो मिला जुला कि ये काफ़ी इंटरेस्टिंग सा एक मोड होने वाला है, आपको आप खेल के बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। और इसके लिए यहाँ पे तैयार हो जाओ, अपडेट आने वाला है।
और आपको देखने को मिल जाएगा बहुत जल्द। वीडियो पसंद है तो वीडियो को प्लीज गाइस एक लाइक कर देना। अगर आपको लगता है इस वीडियो से आपको कुछ भी इन्फॉर्मेशन मिला है तो वीडियो को सारे प्लेयर्स तक शेयर कर देना। और यहाँ पे जो है आने वाले टाइम पे मैं आपको और भी चीज़ें एक्सप्लेन कर दूंगा ऑफिशियल सर्वर पे जाके, जो आपके लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा, जो आपको हेल्प करेगा आने वाले टाइम पे। सारी की सारी चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। अभी मैं आपको थोड़ा बहुत यहाँ पे माहौल बना के दिखा रहा हूँ। मान लो मेरे सामने कोई बंदा है जो मेरे को मार रहा है और मैं पत्थर के पीछे ऐसे जा सकता हूँ और जाके कवर ले सकता हूँ, तो कितना बढ़िया है गाइस। आप किसी को ऐसे यहाँ पे चकमा दे सकते हो इस मोड के अंदर। तो इस मोड के अंदर यही इसका खासियत है, कोई बंदा एक सेकंड पे इधर से उधर जा सकता है। और इसका रेंज मैं आपको दिखा रहा हूँ गाइस, ये घर से लेके अभी देखो क्रॉस आ रहा है, अभी भी क्रॉस आ रहा है, देखो अब सर्कल बन गया। तो क्रॉस से सर्कल के बीच का रेंज आप देख सकते हो कितना दूर तक ये रेंज लेता है, तो इतने दूर तक आप भी इसकी मदद से जा सकते हो। तो काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें ला रहा है गरीना, काफ़ी अच्छी चीज़ है गाइस ये। आप लोग बहुत सारे प्लेयर्स कल मेरे को वीडियो कमेंट में बोल रहे थे कि भाई यहाँ पे जो है क्लासिक मोड पे आ रहा है, गेम बर्बाद हो गया। गाइस ऐसा कुछ भी नहीं है, गेम बर्बाद होने की बात ही नहीं है गाइस। यहाँ पे जो है ये अलग सा एक मोड है, आपको खेलना है तो आप खेलो, नहीं खेलना है तो मत खेलो, फोर्सफुली कुछ भी बात नहीं है। मज़े के लिए होता है गाइस, नया जो मोड आता है वो मज़े के लिए होता है। तो अगर आपको मज़ा लेना है तो आप ऐसे उछल कूद कर सकते हो गेम के अंदर जाके, थोड़ा बहुत यहाँ पे एक अलग टाइप का मज़ा आपको मिलेगा। तो हर एक अपडेट हर एक डिटेल्स फ्री फायर गेमर जोन पे आपको मिल जाएगा जो भी होगा। तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, अगर कोई ऑप्शन दिखाता है बेल आइकन प्रेस कर देना, उसके बाद कोई ऑप्शन दिखाता है तो ऑल पे सेट कर देना उसको। मैं वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया गाइस, मैं मिलता हूँ आपसे एक और फ्रेश वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।